तो दोस्तों टीम इंडिया जो कि तैयार हो चुकी है इंडिया वर्सेस पाक मैच को खेलने के लिए, पर उससे पहले उन्होंने एक बड़ा निर्णय लिया है उमरान मलिक को लेकर। वो निर्णय में क्या लिया उन्होंने उसके बारे में आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो प्लीज़ वीडियो के आखिर तक बने रहे। तो उमरान मलिक जो कि इंडिया के तेज गेंदबाज हैं और एक उभरते सितारे हैं, तो उन्होंने जो कि IPL में 157 की रफ्तार से गेंद फेंक के दिखा दी थी, पर उसके बाद उनको टीम में मौका दिया भी गया था मगर उतना नहीं दिया गया जितना बाकी प्लेयरों को दिया गया। तो इसलिए अब टीम इंडिया के सेलेक्टर्स ने एक डिसाइड करा, उनको एक मौका दिया गया है ऑस्ट्रेलिया में पहुंच के इंडिया के सभी बैट्समैन को नेट्स में बॉल डालने का, जो कि ये एक अच्छा मौका हो सकता है और साथ ही साथ टीम इंडिया के लिए भी एक फायदेमंद की बात हो सकती है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की पिचेस पे तेज गेंदबाजों की ज़्यादा चलती है, पिचेस पे बहुत ही ज़्यादा बाउंस है और रफ्तार से गेंद डालने वाले सभी बॉलरों को बहुत ही ज़्यादा मदद मिलती है। तो इस मामले में उमरान मलिक सभी चीज़ों में आगे हैं और इस वजह से उनको नेट में बुलाया गया सभी प्लेयरों को, सभी बैट्समैन को अच्छे से प्रैक्टिस कराने के लिए, और इस बात को लेकर उमरान मलिक ने भी अपनी मंजूरी दे दिया। तो इंडिया वर्सेस पाक मैच से पहले उमरान मलिक ने अच्छी खासी प्रैक्टिस करवा दी है रोहित शर्मा, विराट कोहली और बाकी सभी बैट्समैन की, और अब इंडिया तैयार है 23 अक्टूबर को पाकिस्तान के खिलाफ मैच खेलने के लिए, और उसके बाद भी उमरान मलिक टीम के साथ बने रहेंगे, पूरे T20 वर्ल्ड कप में टीम के साथ रहेंगे और टीम के सभी प्लेयरों को प्रैक्टिस कराते रहेंगे नेट्स में लगातार, और उनसे जुड़ी जो भी न्यूज़ आती है वो आपको मैं देता रहूँगा रेगुलर टाइम इंटरवल पे। तो उन सभी न्यूज़ को पाने के लिए नीचे जो लाल कलर का बटन है उसको कर ले टच और हमारे चैनल को कर ले सब्सक्राइब। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में उमरान मलिक टीम इंडिया T20 वर्ल्ड कप से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग न्यूज़ लेकर। तो तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर, कीप प्लेइंग, प्ले हार्ड।